अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से बलात्कार के आरोप में अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 45,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल DGC पॉक्सो कोर्ट अलका उपमन्य ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी पुत्री पीड़िता 23 अगस्त 2017 को लगभग 11 बजे कृष्णानगर अपनी माँ के पास जा रही थी कि तभी रास्ते में अभियुक्त नरेश मिला और उसकी नाबालिग पुत्री को बहला कर अपने साथ ले गया। जब लड़की देर रात तक नहीं लौटी तो परिजनों ने छानबीन की, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने पीड़िता के पिता को यह जानकारी दी कि उसकी लड़की को नरेश के साथ देखा गया है। जब नरेश के घर जाकर देखा गया, नरेश भी घर से लापता था। पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें पुलिस ने धारा 363, 366, 376 IPC 3/4 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त नरेश को धारा 363 के अपराध के लिए 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये के अर्थदंड, धारा 366 के अपराध के लिए 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये का अर्थदंड तथा धारा 376 के अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20,000 रुपये के अर्थदंड व पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4/7 में 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 15,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त अतिरिक्त कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो जिसमें हमारे जस्सा में श्री विपिन कुमार जी, इनके द्वारा एक धारा 363, धारा 366 और 376 और 3/4 पॉक्सो एक्ट में ये जजमेंट दिया गया है, जिसमें 10 साल का कठोर कारावास और 45,000 रुपये अर्थदंड का जुर्माना किया गया है। ये घटना 23/8/17 की है। लगभग 11 बजे कृष्णानगर में पीड़िता अपनी माँ के पास जा रही थी, जो अभियुक्त है नरेश वो पीड़िता को मिला और उसको जबरन अपनी गाड़ी में ले गया। जब काफ़ी समय तक पीड़िता घर वापस देर रात तक नहीं आई तो घर वालों ने जानकारी की, नरेश जो जानकार मिले रास्ते में जाने आने वाले उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारी बेटी को अभियुक्त नरेश के साथ जाते हुए देखा है। नरेश के घर पर जाकर जानकारी की तो नरेश भी घर पर नहीं था। जब पता चला तो नरेश पीड़िता को अपनी बहन के घर ले गया था, वहाँ पर ले जाकर पीड़िता के साथ में दुराचार की घटना को अंजाम दिया है। आरोप पत्र थाना कोतवाली के अंतर्गत हमारी माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिसमें सभी साक्ष्य किए गए, सारे जो गवाह थे उन्होंने घटना का समर्थन किया और तब जाके आज हमारे माननीय न्यायालय श्री जसाब ने ये जजमेंट दिया है।